ये कहकर मंदिर से फल की टोकरी चुरा ली माँ ने, तुझे खिलाने वाले तो और भी आ जाएंगे गोपाल, लेकिन अगर मैंने आज ये पाप ना किया तो भूखा मर जाएगा मेरा लाल। दोस्तों, ये होती है माँ, माँ का प्यार, माँ का मातृत्व। वो अपने लाल के लिए कुछ भी कर जाती है, कोई भी गुनाह कर डालती है, यहाँ तक कि भगवान से भी लड़ जाती है। लेकिन आज की इस फरेबी दुनिया में, कलयुग के इस बदलते दौर में, कुछ औरतों ने माँ के इस निश्चल और गंगा जल जैसे प्यार को भी अपवित्र कर दिया, दूषित कर दिया, कलंकित कर दिया। दोस्तों, एक ऐसा मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले से, जहाँ पर साथी घोष और उसके पति जयदेव घोष ने अपने 8 महीने के मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए 2 लाख में बेच दिया ताकि वो आईफोन 14 खरीद सके। उस आईफोन 14 से वो रील बना सके, फ़ोटो खींच सके, फेमस हो सके, अपने शौक पूरे कर सके। और प्रियंका घोष को 2 लाख में अपने बेटे को बेचने के बाद ये दंपत्ति उड़ीसा चला गया मौज मस्ती के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आईफोन 40 की खरीद को। लेकिन जब वापस लौटा तो पड़ोसियों ने देखा कि इनके हाथ में आईफोन 14 है, क्योंकि इनके पास तो खाने के भी लाले रहते थे, इतना महंगा फ़ोन कहाँ से ख़रीदा। जब पूछताछ की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, कुछ साफ नहीं बताया। लेकिन इनके पास तमाम चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो थी इनकी 8 माह के बच्चे की मौजूदगी। 8 माह का वो बच्चा कहाँ था? जब पड़ोसियों ने पूछा तो इन लोगों ने गोलमोल जवाब दिया। पड़ोसियों को शक होने लगा कि इनके पास इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया, 8 महीने का वो बच्चा कहाँ पर है। पूछने के बाद कुछ नहीं बताया तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई, इनसे पूछताछ की और राज खुल गया। इन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने रील्स बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी ये साथी घोष नाम की महिला। उन रील्स को बनाने के लिए इनको एक हाई क्वालिटी फ़ोन की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने इस मासूम बच्चे को बेच दिया। पुलिस ने साथी घोष को गिरफ्तार कर लिया, प्रियंका घोष को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मासूम बच्चे के उस बाप को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई जिसने इतना बड़ा गुनाह किया। जयदेव घोष अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर लेगी। जयदेव घोष भी गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कोई भी मेहनत करने से नहीं चूकते। लेकिन यहाँ उल्टा दिखा कि माँ बाप ने अपने शौक, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अपने मासूम को ही बेच डाला। हालांकि इस कपल के 1-7 साल की मासूम बेटी भी थी, इस बेटी को भी इन लोगों ने बेचने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में, इस देश में, बेटा बेटी में काफ़ी अंतर है। बेटे को लोग खरीदते हैं, बेटियों को नहीं। इसलिए उस बेटी के खरीदार तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, बेटे के खरीदार ज़रूर मिल गए। बेटे को 2 लाख में बेच दिया, बेटी नहीं बेच पाई तो बच गई, और इन लोगों ने उस 2 लाख से अपने शौक पूरे किए। अब एक सवाल हमारे सामने खड़ा है दोस्तों, वो ये कि क्या माँ बाप भी इतने गिर सकते हैं कि अपनी ज़रूरतों को लिए अपने बच्चों को ही दांव पर लगा दे। ये सवाल समाज से भी है, सिस्टम से भी है, और तमाम लोगों से। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएँ। नमस्कार।